मैं दो बाबतों के लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूं। एक, एट द एज ऑफ 81 आई हैव अंडरगॉन टू सर्जरीज वेरी रिसेंटली। मेरी दो ऑपरेशन हुए हैं पिछले दो महीने में, और बाद में चिकनगुनिया होने की वजह से ये मुझे भी शर्म आती है कि आप लोगों के बीच में एक रूप नहीं हो पाता। दूसरा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं मेरे गुजरात से। यही मेरा गुजरात था जिसने आजादी के संघर्ष में मिट्टी बना हुआ आदमी को मानव बना दिया था, और आज मुझे लगता है कि मेरा ये गुजरात को क्या हो गया जिसने मानवी को अब मिट्टी बनाने का प्रयास शुरू किया। मित्रों, काले धन की बात चलती है तो उसके इर्द गिर्द में ही बात करूंगा। काला धन कैसा, कहां से, कौन, ये सब तो बातें छोड़िए, लेकिन काला धन व्यक्ति हो, कोई व्यापारी हो, वो टैक्स इवेड करके बच सकता है। काला धन कोई कॉरपोरेट सेक्टर हो तो वो उसके जरिए वो करता है। पॉलिटिकल पार्टी की भी बात हुई, लेकिन एक और आयाम है, जब काला धन गवर्नमेंट की साथ से होता है, गवर्नमेंट खुद काला धन पैदा करती है, तो उसका क्या करना। और मेरा ये एलिगेशन के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, गवर्नमेंट किसकी बनती है? जिसकी मेजोरिटी है वो पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट बनने के बाद क्या होता है, वो सत्ता टिकाए रखने के लिए कहीं से भी कैसे भी इर्द गिर्द प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं उसका मैं एक दो एग्जांपल देके, ये पूरी की पूरी मशीनरी गुजरात से हो के अब जब दिल्ली आई है, तो आपको नुक्तेचीनी करना चाहता हूं कि लेट गुजरात चैप्टर शुड नॉट बी रिपीटेड। और अगर गुजरात का चैप्टर रिपीट हुआ तो पूरी की पूरी, आज आप सोचिए ये पूरी गुजरात की मशीनरी इसमें क्यों लगी है। हिंदुस्तान के अन्य कोई राज्य में इस मशीनरी के लिए कोई आदमी नहीं। ऑफिसर्स आते हैं गुजरात से, पुलिस ऑफिसर्स आते हैं गुजरात से, और पूरी उस वक्त की जो वो थी नेटवर्क, वो अब शिफ्ट हुई है सेंटर में। अब आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, दो एग्जांपल से या तीन एग्जांपल से ये बात मैं डिटेल में तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एग्जांपल जरूरी है इसलिए बताता हूं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गुजरात में एक जीएसपीसी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, टोटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हुई। मैं नहीं कहता, ये रिपोर्ट सीएजी ने प्रिंट कराए हैं जो अभी तक वो नहीं हुए हैं, ये मेरी बात नहीं है। अब जीएसपीसी देखिए, जीएसपीसी ने उसकी 33 सब्सिडी कंपनियां बनाई, और इनमें से ज्यादातर कंपनियों में अगर कोई डायरेक्टर है तो वो है गौतम अदाणी एंड कंपनी। ये अदाणी और कंपनी अब जीएसएफसी के ज्यादातर कंपनियों में लगे हुए हैं, दे आर द डायरेक्टर्स देयर। और अब उसकी जीएसपीसी की खानदानी देखिए, हर वक्त जब इलेक्शन का टाइम आता है तब कुछ न कुछ नई बातें निकलती है। पहले गुजरात था जिसके 17 पुलिस ऑफिसर्स, आई एम सेइंग नॉट हेड कॉन्स्टेबल्स, हेड कॉन्स्टेबल बट
अपर क्लास ऑफिसर्स दे वर सेंट टू जेल, काफी समय तक जेल में रहे। क्या हुआ उस वक्त? इलेक्शन की एक बात आई कि अब इलेक्शन में टिके रहना है, क्या करना। तो कई कई इंसिडेंट्स होते हैं, गुजराती में उसको हम कहते हैं खंडणी उग्रवी, मींस ऑफिशियल एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। अब इसके बाद गवर्नमेंट को जब लगता है कि ये इलेक्शन का टाइम आया, तो 5 अगस्त 2005 उस दिन गवर्नमेंट 2 GR निकालती है, और वो दोनों GR अगर स्टडी किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में कतई नहीं आ सकते। ऐसे फंड रेजिंग के दरवाजे खोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ब्लैक मनी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। अब वो कैसे हुआ? 11 ऑफिसरों की, IAS ऑफिसरों की एक टीम बनाई जाती है, और टीम को आदेश दिया जाता है कि ये साल में हमको इतने उत्सव करने हैं। गवर्नमेंट तो उत्सव कर नहीं सकती, तो पैसा कहां से लाना? तो 11 ऑफिसरों को जिम्मेवारी दी जाती है कि पैसे के बारे में इंतजाम करें। ये ऑफिसरों की मीटिंग मिलती है, और मीटिंग में एक तय होता है कि कलेक्टर को बोला जाए कि चंदा इकट्ठा करने के लिए फंड रेज करो आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, और न तो वो पब्लिक फंड में आए न कंसोलिडेटेड फंड में आए, और साइड में से रख के चंदा इकट्ठा करो। इन टर्न कलेक्टर ने कहा मुझे राइटिंग में दीजिए, और यहां की मिनट वो कलेक्टर को ऑर्डर स्वरूप में दी गई। कलेक्टर ने बाद में फंड इकट्ठा करने के लिए, चंदा वसूल करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को लेटर लिखा। इन टर्न इंडस्ट्रियलिस्टों ने पैसे दिए, मानो हमारे कच्छ में वेल्सपन कंपनी है तो उसने 60 लाख दिए। किसके बदले में? उसको बड़ी के बड़ी लैंड दी गई थी बहुत सस्ते में। फिर पैसा कहां गया? कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आया, गवर्नमेंट ट्रेजरी में नहीं आया। दिस वॉज अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल करप्शन। सेकंड, अदानी, उसका भी ये हुआ। CAG ने लिखा कि मुंद्रा पोर्ट की हिस्ट्री पढ़िए, और मुंद्रा पोर्ट में क्या होता है मित्रों? ये अदानी कंपनी को पहले, जिसको APL बोलते थे, 2-3 मिनट ज्यादा, अदानी कंपनी जिसको APL बोलते थे, उसको वहां एक गवर्नमेंट का बोर्ड है जिसको गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, टोटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, उसकी साथ कांटेक्ट करते हैं। और कांटेक्ट एक हुआ, बाद में तीसरी पार्टी इसमें आई, वो थी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। एक कंपनी का एकत्रीकरण एक में हुआ, दूसरी कंपनी बनी उसका एकत्रीकरण दूसरी में हुआ। अब जब एकत्रीकरण होता है तो ओरिजिनल बात ऐसी थी कि मुंद्रा बंदर को डेवलप किया जाए जॉइंट सेक्टर में, जिसमें गवर्नमेंट के 26% रहेंगे। ये 26% होने की वजह से एक आदमी को पूरा का पूरा बंदर दिया नहीं जा सकता था, और चेयरमैनशिप गवर्नमेंट के पास रहती थी। अदानी को लगा ये ठीक नहीं है, तो कैसे ये परसेंटेज कम हो और 11 से नीचे अगर परसेंटेज आ गए तो पूरा का पूरा पोर्ट हो प्राइवेट हो जाता। अब कैसे करना? देन मर्जर एंड कंसोलिडेशन ऑफ द कंपनीज। इसमें शेयर प्राइसिंग की एक गवर्नमेंट ने बड़ी
जगलरी, और शेयर प्राइसिंग कटते 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 सिर्फ 197 करोड़ में मुंद्रा पोर्ट पूरा का पूरा प्राइवेट पोर्ट हो गया, और गवर्नमेंट की सब बातें निकल गई विद द कनाइवेंस एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। और इसमें भी देखिए साहब, ये कंसोलिडेशन और एकत्रीकरण होता है तो हाईकोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ती है। हाईकोर्ट की मंजूरी में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को लगा कि ये अच्छा नहीं दिखेगा, तो उसने ऑब्जेक्शन लिया। दो तीन महीने रह के ये ऑब्जेक्शन को विड्रॉ कर लिया। किस वजह से किया, कैसे ऑब्जेक्शन विड्रॉ किया, न तो सीएजी को इंफॉर्मेशन दी गई और न सीएजी जान पाई। आज 197 करोड़ में मुंद्रा पोर्ट पूरे की पूरी अदानी की प्रॉपर्टी हो करेगी। ये करप्शन कोई इंडिविजुअल करप्शन नहीं है, ये करप्शन, ये काला धन जो सब निकला है वो गवर्नमेंट की ओर से लिया गया है। ऐसे कई एग्जांपल्स। अब देखिए टाटा नैनो, गवर्नमेंट ये इंडस्ट्री को प्रोत्साहन क्यों देती है, इसके पीछे तर्क होते हैं, लॉजिक होता है, और वन ऑफ द लॉजिक इज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ द लोकल एरिया। अब लोकल एरिया का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो यहां की आबादी को रोजी रोटी मिलती है। टाटा नैनो वहां से बंगाल से शिफ्ट होता है, क्योंकि ये वो नहीं हो पाएगा सक्सेसफुल। नरेंद्र मोदी ने बताया, माफ करना मित्रों, ये कोर्ट में दे रहा हूं नरेंद्र मोदी का, कि मैंने चिट्ठी लिखी और रतन टाटा गुजरात में आ गए। अब रतन टाटा ने जो कंडीशंस रखी मित्रों, कौन जानता है यहां से कि कितनी कितनी बात में क्या हुआ। 33,000 करोड़ का टाटा नैनो प्रोजेक्ट, और रतन टाटा की टर्म्स एक के बाद एक देखिए। कोई पॉलिसी में बात नहीं आती थी, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात नहीं थी। टाटा ने कहा मुझे कैश लोन चाहिए 11,000 करोड़ रुपए का। कोई गवर्नमेंट कभी कैश लोन किसको देती नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये आता नहीं। गवर्नमेंट ने हाँ बोल दिया। बात ऐसी कि रीपेमेंट कैसे, टाटा ने कहा 20 साल तक मैं एक पैसा भी वापस नहीं करूंगा। गवर्नमेंट ने हाँ बोला। अब रीपेमेंट 20 साल के बाद का कैसे, तो टाटा ने कहा कि 20 साल और मैं इंस्टॉलमेंट से दूंगा। 40 साल और 11,000 करोड़ रुपए की लोन। बात आई इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट की जब बात आई तो टाटा ने कहा कि मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा। गवर्नमेंट ने कहा कुछ तो देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट तय हुआ 0.1। भैया देखिए ये करप्शन बाय द गवर्नमेंट कैसे होता है, 0.1। अब 40 साल तक 11,000 करोड़ रुपया आपको और मुझको विदाउट इंटरेस्ट मिले, क्या नहीं हो सकता है। और ये गवर्नमेंट की ओर से इन ब्लैक एंड व्हाइट। फिर आरटीआई होती है, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन नहीं देती। मेरे पास इस एग्रीमेंट की कॉपी है, और इस एग्रीमेंट में ये सब लिखा गया है। बाद में टाटा ने एक कंडीशन रखी कि मैं आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉलिसी जो है उसको फॉलो नहीं करूंगा। क्या फायदा हुआ राज्य को, उसको फॉलो नहीं करूंगा। सामान्य थंब रूल ऐसा है कि 1,00,000 रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एक रोजगारी जनरेट होती है। मानो आज मैंने एक चाय की किटली चलाई, तो इन्वेस्टमेंट अगर मेरा 1,00,000 रुपया हुआ तो एक रोजगारी जनरेट हुई। 33,000 करोड़ रुपए में कितनी रोजगारी जनरेट होती थी और होने वाली थी, अब देखिए।
वो क्लोज टाटा ने ना बोल दिया। अब मजे की बात आई, टाटा टोल्ड दैट आई हैव फेल्ड इन दिस प्रोजेक्ट, सॉरी सर, आई हैव फेल्ड इन दिस प्रोजेक्ट। आज तक उसका कोई इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट का हो नहीं पाया, समय का तकाजा है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाता। लेकिन गवर्नमेंट की ओर से जब करप्शन होता है तो और करप्शन सब छोटे हो जाते हैं। काला धन का जनरेशन अगर गवर्नमेंट से है तो प्लीज बी अलर्ट दैट लेट इट नॉट बी रिपीटेड एज इट हैज बीन डन बाय गुजरात। थैंक यू ऑल।